मनीषा ईरानी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, किस बात पे? उनके ड्रेस पे। अब उनके ड्रेस के पीछे की क्या कहानी है उस पर जरूर बात करेंगे और आपको थोड़ी सी बातें बताएंगे उसके बारे में। तो जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे एक्स पे मुझे प्लीज फॉलो कर लो, लिंक बायो में है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मनीषा ईरानी ने एक जगह पे, जब मनीषा ईरानी बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में जब वॉक किया है उसके बाद मनीषा ईरानी ने ये बात बोली है कि यू नो लाइक मैं फैशन में क्या करती हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी चीजें ट्राई कर लेती हूँ, यानी मुझे लगता है कि भाई इसके साथ अच्छा ये अच्छा लगेगा, इसके साथ ये अच्छा लगेगा। अब ये ड्रेस जो है मैंने डिजाइन किया है, मैंने ड्रेस ऐसा पहना, इसके बाद इसके साथ क्या अच्छा लगा है मैंने खुद प्लान किया एंड ऑल। तो उसके बाद जो ट्रोलर्स हैं उन्होंने मनीषा ईरानी को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और दिखाया कि ये जो ड्रेस है मीशो पे, ये ड्रेस जो है ना मीशो पे, ये ड्रेस 1500 का है, आई गेस 1600 का, यस 1600 का ड्रेस है और मनीषा ने ये डिजाइन नहीं किया, मनीषा ने ये वहां से ऑर्डर किया है। अब मैं आपको अभी बताती हूँ कि हुआ क्या है। मनीषा ने ये क्लेम नहीं किया कि ड्रेस मनीषा ने फुल डिजाइन किया, इट वॉज स्लिप ऑफ टंग। लाइक मैंने एक चीज होती है कि आपके पास स्टाइलिस्ट होते हैं, आप समझ रहे हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स होते हैं इनके पास स्टाइलिस्ट भी होते हैं, इनके पीआर होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं जो इनके लिए काम करते हैं कि भाई आपने ये पहनना है, आपने इस तरह से जो है ना अपीयरेंस जहाँ पे आप दे रहे हैं, तो डिजाइनर से भी कॉन्टेक्ट करते हैं, उनके चीजें अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे मनीषा को जो कहने का मतलब था, जो मुझे समझ में आया वो ये था कि भाई ये मैंने खुद से सब कुछ किया है, खुद से सब कुछ अरेंज किया, अपनी स्टाइलिंग अपना सब खुद कुछ किया है। तो अब उसको लोग ये कह रहे हैं कि मनीषा ने कहा है कि डिजाइनिंग आपने खुद की है, आपने पूरा ड्रेस खुद डिजाइन किया है। अब लेट्स से अगर आप यू नो आप बुटीक जाते हो, आप ड्रेस लेते हो, आप कोई भी ड्रेस लेते हो उसके साथ आप मैचिंग ज्वेलरी, अपना स्टाइल, अपना हेयर स्टाइल, सब कुछ हेयरडू सब कुछ खुद करते हो, तो उसके बाद कहते हो यार ये सब कुछ मैंने खुद किया है, मतलब यू नो आई हैव choosing this, like I have choosing the dress and the color and the you know like the accessories, ये सब कुछ मैंने खुद किया है। तो मनीषा यू नो लाइक मेंट टू से दिस, बट इस ये चीज जो है ना ये बहुत उस तरह से डिलीवर हुई कि मनीषा ने कहा है कि सब मैंने डिजाइन किया है और उसके बाद लोग मनीषा को कह रहे हैं कि झूठ बोल रही है, ये कॉपी करती है, देखो ये तो अभिषेक मल्हान की तरह हर चीज को कॉपी कर रही है। और उसके बाद मनीषा के ट्रोलिंग के लिए एज आई ऑलवेज सेड के लोगों को जो ट्रोल करते हैं मनीषा को, कोई एक छोटा सा इन्हें चांस चाहिए होता है, मुझे लगता है मनीषा को ट्रोल करने का, तो मनीषा को ट्रोल कर रहे हैं। बट आई बिलीव दैट मनीषा वॉज लुकिंग सो गॉर्जियस एंड क्यूटी पाई, शी वॉज लुकिंग सो क्यूट। मैंने मनीषा के अंदर एक चीज देखी है, मैंने कल मनीषा फोटोशूट शेयर भी किया था, एक फोटो एक पिक्चर भी शेयर की थी, दैट दिस गर्ल नाम हैज सम another kind of you know attraction, बहुत ही अलग तरह की अट्रैक्शन इस लड़की में, और डे बाय डे ये लड़की ब्यूटिफुल, गॉर्जियस, कॉन्फिडेंट और लवेबल होती जा रही है। तो आई थिंक मनीषा ईरानी वॉज लुकिंग एब्सोल्यूटली गॉर्जियस एंड मुझे लगता है कि जो लोग मनीषा को ट्रोल करते हैं, आई डोंट नो भाई उन्हें मनीषा को ट्रोल करने जैसे क्या लगता है, बिकॉज मनीषा ऐसी लड़की है कि जिसको देख के आपको प्यार बहुत ज्यादा है, शी इज सच यू नो लाइक प्योर सोल। यहाँ पे कुछ लोग का ये भी कहना है कि मनीषा को लगता है कि वो रिहाना जैसी लगती है, आई थिंक मनीषा इज ब्यूटिफुल देन रिहाना, बिकॉज मनीषा के अंदर जो एक इंडियन ब्यूटी है, एक जैसे कहते हैं ना उसके उसका जो फेस है बहुत ही प्यारा फेस है उसका। और एक मैंने पिक्चर देखी थी, किसी मनीषा की फैन ने ना शेयर की थी, वो पिक्चर आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे मेरा फैन वॉर छेड़ने का बिल्कुल भी कोई भी इरादा नहीं है, ओके, बट मैंने देखा था जिया शंकर, जिया शंकर बहुत ब्यूटीफुल है, तो जिया शंकर विदाउट मेकअप बैठी हुई थी, मनीषा विदाउट मेकअप बैठी हुई थी, एंड ट्रस्ट मी मनीषा वाज लुकिंग सो प्रिटी वहां पे। लेकिन अगर आप देखोगे तो मनीषा जो है ना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, हालांकि जिया भी बहुत ब्यूटीफुल है, बट मनीषा ज्यादा प्रिटी लगी। तो मनीषा के अंदर ना एक अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन होती है ना जो इंडियन ब्यूटी में एक अट्रैक्शन होती है, वो मनीषा में है। तो आई बिलीव मनीषा इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड यू नो लाइक शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल गॉर्जियस। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।